कैसे हैं आप सब तो ये जो आपने अभी स्टार्टिंग में क्लिप देखा है ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे का क्लिप है uh, मेरे हस्बैंड की बर्थडे इस दफा दो दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट की है तो uh, पहले दिन तो हमने बारबेक्यू किया था और uh, केक वगैरह कट किया था तो उसके बाद हम लोगों ने एक दिन बाद दोबारा से सेलिब्रेशन की थी मेरे कुछ कज़न्स वगैरह आए थे तो उसका मेन्यू जो है डिफरेंट है मैंने जो कुछ बनाया है सब चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो चलें जी अब ये जो आ, नेक्स्ट हमारी जो सेकंड बर्थडे हमने फजैल की सेलिब्रेट की है उसके उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये है एक दिन पहले का ब्लॉग तो मतलब मैंने जो प्रिपरेशन एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी तो इसीलिए मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ तो सबसे पहले तो ये डिनर का टाइम था तो मैं अपने हस्बैंड को डिनर बना के देने लगी हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तवे पर साग अच्छा ये वाला जो साग है ना ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट साग है मैंने कभी इस तरह से नहीं खाया था पहले लेकिन मेरे ससुराल में इस तरह से बनाते थे तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था तो फिर मैंने भी ये सीख लिया बनाना तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ बहुत जल्दी बनता है पाँच मिनट में बन जाता है ये तो तो मैंने ऑयल डाला तवे पर और उसमें मैंने गार्लिक चॉप करके डाल दिया और गार्लिक को मैंने ब्राउन कर लिया जब ब्राउन हो गया तो ये कटा हुआ साग है साग आप लें धोकर काट के उसको फ्रीज़ कर लें तो जब दिल करे बना लें बहुत मज़े का लगता है ये तो इसको मैंने कटे हुए साग को मैंने तवे पे डाला और आपको पता है ये साग भी तो सिर्फ ये पत्ते ही होते हैं लीव्स होते हैं तो ये तो फ़ौरन से पक जाते हैं जैसे थोड़ा सा इसमें से साग में से पानी निकलेगा और बस हमने इस पानी को ड्राई करना है साथ में तो मैंने ढेर सारी हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी हैं इसमें और इसमें मैं सीजनिंग्स भी डाल दूँगी बहुत सिंपल सा ये बनता है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जाता है बस इसका मुझे ना पानी ड्राई करना है जैसे ही पानी ड्राई होगा तो बस ये साग डन हो जाएगा इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं बस इसमें और कुछ भी नहीं जाता और मेरे हस्बैंड का तो ये बहुत ही फेवरेट है तो मुझे भी अच्छा लगता है वैसे तो बस मैं ये बनाकर सबसे पहले अपने हस्बैंड को खाना दे दूँगी वो डिनर कर लेंगे उनको साथ रोटी भी बना दूँगी और उसके बाद मैं फिर बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ ये देखें साथ में अभी मैं डाल ही रही हूँ पीछे से उनका भी हाथ आ रहा है वो ऐसे ही उठा उठा के खा रहे हैं और जब मैं ये बनाऊँ ना उस दिन वो बहुत खुश हो जाते हैं तो हस्बैंड को मैंने दे दिया था बनाकर और यहाँ पर मैं अब केक की तैयारी कर रही हूँ केक में मैं बनाऊँगी कैरेमल ट्रिलिज़स केक बहुत मज़े का बनता है मेरी फैमिली में ये बड़ा ही फेमस है तो ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बनाया पर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की तो अब मैं करूँगी लेकिन इस व्लॉग में नहीं क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है तो मैं क्या करूँगी कि आपको बस क्लिप्स थोड़े बहुत दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ किया कैसे प्रिपरेशन की और हर चीज़ की रेसिपी जो है वन बाय वन इस ब्लॉग के बाद अपलोड करती रहूँगी चैनल पर तो आपको सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल से मिल जाएंगी तो यहाँ पर मैं चिकन वग़ैरह कट कर रही हूँ क्यूब्स में फॉर्म में करके रख रही हूँ क्योंकि चिकन के साथ मैंने बनानी होगी वाइट हांडी तो जो कुछ मैंने बनाना है उस हिसाब से प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करके रख रही हूँ और अब ये नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है तो सबसे पहले तो मैं ना एक कप माश की दाल भिगो कर रख रही हूँ क्योंकि मैं साइड डिश में माश की दाल भी बनाऊँगी एक अच्छा मेन्यू वही होता है जहाँ पे जिसमें आप हर तरह की डिशेस रखें और हर कोई अपनी प्रेफरेंसेस से अपनी चॉइस से खाए तो माश की दाल सबसे पहले मैंने धो के भिगो दी है और अब मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस वीडियो में डालती तो बहुत ही लंबा व्लॉग बनता ये मेरा तो मैं इस केक की डिटेल रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट में आ, इसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस व्लॉग के बाद वही आएगी मैंने रिकॉर्ड की हुई है रेसिपीज़ वन बाय वन आपके साथ शेयर करती रहूँगी और साथ में मैं बना रही हूँ बोनलेस वाइट चिकन हांडी तो बहुत ही डिलीशियस बनती है ये और बहुत ही इजी रेसिपी है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपीज़ की भी और ये जो मैंने मेन्यू डिसाइड किया था बहुत मज़े का था क्योंकि इसमें हर तरह की डिशेस इंक्लूडेड थी हर कोई अपनी अपनी चॉइस से खा रहा था बहुत ही मज़े का ये मेन्यू था सो so, हर रेसिपी इन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी तो वाइट चिकन हांडी तो मेरी ऑलमोस्ट डन है सब कुछ मैं जल्दी जल्दी सुबह से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने अकेली नहीं कुकिंग करनी होती है सब तो मुझे था कि बस सब कुछ टाइम पर बन जाए तो वहाँ पर मैंने वाइट चिकन हांडी भी बना ली और इधर मैं बना रही हूँ अचार गोश्त और अचार गोश्त मैंने तकरीबन डेढ़ दो किलो चिकन का बनाया था आई थिंक ये दो किलो चिकन था बड़े बड़े पीसेस में था तो ये भी मैंने साथ बना लिया अचार गोश्त भी बहुत टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाया था तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो साथ में मैंने अचार गोश्त का सालन बना लिया और ये देखें मेरा कैरेमल ट्रिलीचिस केक रेडी है ये जितना देखने में प्यारा लग रहा है ना टेस्ट में तो इससे भी डबल ट्रिपल ज़्यादा टेस्टी है मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाता है तो बस आपको दूँगी इन रेसिपी और ये मेरा अचार गोश्त भी डन है इसमें मैंने मिर्चों में अचार गोश्त का मसाला डाल के तो इसको भी मैंने दम पर रख दिया है पूरे घर की सफाई हो गई है और मेरी हाफ से ज़्यादा कुकिंग भी हो गई है सी ये मैंने खाना खा रही है एक चेयर रखी थी मैंने ऊपर से किचन की क्लीनिंग करनी थी इसलिए मैं अंदर ले कर आई थी तो हाफ़ से ज़्यादा कुकिंग हो गई है थोड़ी सी रहती है फ्राइड राइस बनाने वाले रहते हैं और दाल माश रहती है बाकी सब कुछ हो गया और वो उस बॉक्स में मिनी के बच्चे सो रहे हैं तो चलें जी जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करें केक भी बन गया सब कुछ हो गया अब जल्दी से अपना खाना कंप्लीट करती हूँ शाम हो चुकी है मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई हूँ और अभी मैंने तैयार भी होना है तो बस अब जल्दी से मैं पहले माश की दाल बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं फ़्राइड राइस बना लूँगी और रायता और सैलड वग़ैरह जो है वो भी मैंने बना साथ साथ ही और राइस में मैंने फ़्राइड राइस इसलिए बनाने हैं क्योंकि आ, जो हर चीज़ हैवी हैवी है ना तो राइस थोड़े से लाइट ही होने चाहिए और साथ में ये फ्राइंग पैन जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मैं अब वो तड़का बना रही हूँ जो माश की दाल को लगाना है मैंने बनाई है ढाबा स्टाइल माश की दाल तो बस अब सारा कुछ साथ हो रहा है अच्छा मैं जब भी कुछ कोई दावत वग़ैरह प्लान करती हूँ ना तो मैं बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ थक पहुँच जाती हूँ लेकिन अगर मैं कम डिशेस बनाऊँ एक दो डिशेस तो मुझे लग मुझे ख़ुद को सेटिसफेक्शन नहीं होती मैं कहती हूँ कभी कभी तो घर में गैदरिंग होती है तो जब सब आएँ तो इन्जॉय करें तरह तरह की डिशेस होनी चाहिए तो आ, फ्राइड राइस भी इधर बन चुके हैं तो लास्ट में बस मैं इसमें स्प्रिंग अनियंस और आ, ये डाल रही हूँ एग्स तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मैंने इस दिन सब कुछ रिकॉर्ड किया था तो सारी रेसिपीज रिकॉर्डेड है। मोनी। क्या तुम? ओए अल्लाह तरीना ये। समीर। मोनी। Here are my cousins। और मेरा छोटा भाई। फुज़ैल। फुज़ैल मैंने मांकी को बोले। बाबा की दोबारा से बर्थडे हो रही है। <laughs> हाँ? वो मैंने कहीं देखी थी। जाओ तो यहाँ पे सब आ चुके थे और मेरा ये कजन था ये मैं कर रहा था अपनी मम्मा की कॉपी कर रहा था ये तो बड़ा ही हम लोगों ने इंजॉय किया इस दिन और जब ये लोग आते हैं ना मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हंस हंस के ना बस मेरा बुरा हाल हो जाता है तो चलना नहीं है <laughs> वैसे ड्रामा सही देखेंगे ये भाई देखे <laughs> तो इस टाइम सब आ चुके थे और अब मैं खाना लगाने लगी हूँ रोटियाँ मैंने बाहर से तंदूर से मंगवाई थी और सब कुछ सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ ये है बोनलेस वाइट चिकन हांडी या चार कोर्स एवरी इज़ रेडी रेड और कचूमर सेलेड साथ बनाया था रायता था तो वाइट चिकन हांडी जो है उसको मैंने एक हांडी में ही सर्व किया था और ये रही मेरी ढाबा स्टाइल माश की दाल और बस अब मैं ये सब देख रही हूँ ना तो मुझे अभी भी भूख लग रही है इसको देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है बहुत टेस्टी चीज़ें बहुत सब कुछ मज़े का बना था खाना वगैरह खाएंगे फिर उसके बाद हम लोग साथ में पियेंगे चाय और फिर केक कट करेंगे ही ही चाहिए है। वैसे ये बड़ी को दे रही हो छोटी हाँ। छोटी ममा यहाँ पे चाय डाल रही हैं और ममा छोटी जो सीन होती काम है वो तो उससे इतना टाइम लग रहा था तो ममा ने कहा मैं बड़ी सही ना शॉर्ट कट काम करती हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए तो बस ममा चाय डाल रही हैं और यहाँ पर मैंने अच्छा सा, आ, हमारे सा है। हमारे घर में ना एक हैं हमारी फैमिली फ्रेंड ही समझ लें वो लोग भी आए हुए थे और साथ में तो मेरे कज़न्स थे मेरी मामा की फैमिली थी तो हम सब थे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा डिनर रहा और बहुत अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट हुई की बच्चों आ जाओ केक कट होने लगा है आ जाओ

जी तो अब सब लोग जा चुके थे तो हम लोग गिफ्ट्स वगैरह खोल कर देख रहे थे और ये लास्ट ट्रिप मेरे कज़न का है कि जब भी आते नहीं डांस बहुत अच्छा करते तो हम इससे लास्टी सॉन्ग पर डांस करवाते हैं तो आज का ब्लॉग नहीं है आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा तो मिलती हूँ आपसे इस नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इंशाल्लाह थैंक तो यू तो फॉर तो वॉचिंग तो हाफिज